राकेश सिंह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राकेश, यानी कि कुल मिलाकर मोदी के बुरके वाले बयान से कांग्रेस को फायदा हो रहा है? देखिए, साफ तौर पे तान्या, सेक्युलरिज्म ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा होता है। कांग्रेस इसी को लेकर, आपने देखा कि कांग्रेस ने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया, चाहे बात सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो, या कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:15 बजे होती है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरी तौर पर हमला किया गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और साफ तौर पर कहा कि विकास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी गुजरात में ही किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में फिसड़ी है उसको साबित करने की कोशिश, और ये साफ दिखाने की कोशिश कांग्रेस को इसलिए फायदा ताना है कि सेक्युलरिज्म ऐसा मुद्दा है जो कि कांग्रेस इसी के इर्द गिर्द अपने वोट को देखती है। लेकिन रही बात जिस तरह से भ्रष्टाचार या महंगाई का मुद्दा, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी इस तरह ध्यान दिलाने की कोशिश की कि जो मुख्य मुद्दा है उससे नहीं भटकना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस ने जिस तरह से चौतरफा हमला किया है उसको कई मायने में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने जो बुरके वाला बयान दिया था उससे कांग्रेस ने उसी को लेकर अपना गेम प्लान अब तैयार कर लिया है और जो बाकी मुद्दे थे उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की। और जैसा कि राकेश आपने भी कहा कि खुद यशवंत सिन्हा ने मोदी को नसीहत देने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं उनसे हमें भी नहीं हटना चाहिए, हमें भी उन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार पर वार करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पर खासकर यशवंत सिन्हा की बयान को गौर से देखें तान्या, तो साफ दिखाता है कि जो भ्रष्टाचार है, महंगाई का मुद्दा है जो बीजेपी के लिए सूट करता है, अगर जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी का बयान है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो मुख्य मुद्दे है उससे भटक रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बयान पर जिस तरह से कांग्रेस ने चौतरफा हमला किया है, और आपने देखा कि कांग्रेस ने पूरा ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया, और चाहे बड़े उसके कांग्रेस के कोटे से वरिष्ठ मंत्री हो या कांग्रेस के नेता, सभी ने हमला बोला और सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार कांग्रेस सेक्युलरिज्म में विश्वास क्यों करती है। साफ तौर पर अगर कहे तो जो मीडिया प्रभारी हैं अजय माकन ने साफ तौर पर कहा कि सांप्रदायिकता के नंगेपन से अच्छा है सेक्युलरिज्म का बुरका। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि खासकर सेक्युलरिज्म ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस को सूट करता है। बिल्कुल राकेश, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो